घर पे सुविधा मिलेगी। कभी टाइम मिलेगा मतलब कभी ये हो ना कि ब्याज का अकाउंट खुलवाना है, नहीं चाहिए सुविधा। अच्छा आप बैंक में विजिट कर लोगे? हमको विजिट भी नहीं करना तुम्हारे बैंक में, फ्रॉड ठग बैंक के। बसंत जांगड़ा हाय हेलो एक्सक्यूज मी, जगह मिलेगी थोड़ा यहाँ पे? अरे थोड़ा सा ना थकान हो रही थी यार, सिर्फ यार थक रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा था। यार काम अपना एक अलग बिजनेस चलता है ना अपने साइड में, फैक्ट्री लगा रखी हमने। नहीं तो जान पहचान तो हो जाएगी, क्या दिक्कत है? अरे ऐसे थकान उतारने के लिए नहीं, मतलब यार क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अरे मतलब थोड़ा बातचीत करने के लिए ना, अभी मैं पार्क में टहलने आ रहा था थकान उतारने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने मेडिटेशन करता हूं। करके घर पे आराम करना चाहिए। अरे तो मेडिटेशन करूंगा ना पार्क में, थकान उतारने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, पार्क में दूसरी जगह बैठो मेडिटेशन करो। आप क्या करते हो थकान उतारने के लिए? आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। आप क्या करते हो मैडम? थकान आती ही नहीं। अरे यार पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि इंसान तो इंसान है। आपको भी नहीं आती? अरे यार क्यों भाई ऐसा क्यों, ऐसे क्या डाइट में शामिल कर रखा लोगों ने यार? मैं तेरे को बताओ यार, मैं अपना स्टेमिना बढ़ाऊं थोड़ा यार, उनको देख के पता चल रहा है। कहाँ से यार, यार बिल्कुल खत्म हो रखी हो तो यार क्या करूँ मैं। ऐसे मत बोलो, बुरा लगेगा। नहीं यार बुरा नहीं लगेगा यार, अच्छी बात है यार, बहुत कितनी हेल्थी यार, बहुत जिम करते हो, बहुत मेहनत करते हो आप यार। ओह माय गॉड, सुबह से शाम तक लगे रहते हो यार। अरे स्वीट यार, हेलो क्या नाम आपका बेटा? अरे यार नाम नहीं पता ना, क्या नाम है बच्चे आपका? रश्मि। आपका सर कौन सी जिम डाइट में क्या शामिल कर रखा आपने? देखो थोड़ा जगह बना ना यहाँ पे, थोड़ा प्लीज देखो थोड़ा जगह, गरम गरम यहाँ पे कुछ है, साइड हो, चलो साइड हो ना, हो ना थोड़ा साइड। लेकिन क्यों जानते हैं माहौल बनाने, बैठ सकते हो माहौल बनाने के लिए बैठा ना यार। तो माहौल उससे बनाओ, वो बात कर रही है आपको, आप तो पूछ रहे थे उसका नाम। नहीं कौन सा माहौल बनाओ उस साइड, क्या क्यों वो क्या मतलब क्या? अरे मेरे को कुछ नहीं पता ना मैडम, अरे मुझे डाइट में शामिल करना, आप लोग थकते नहीं हो तो जिम जाओ, ट्रेनर को पूछो। आप लोगों की डाइट थोड़ी स्पेशल, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैडम थकती नहीं, उनको भी कुछ नहीं होता, वो भी दिन सुबह से शाम तक लगी रहती है। बोला ना आप डबल मीनिंग ले रहे हैं। नहीं डबल मीनिंग मैंने कुछ नहीं बोला भैया, किस चीज में थकना नहीं बोला? अरे काम में मतलब जो भी थकान नहीं होती उसमें, पढ़ाई लिखाई में थकान होती है, मेरे को तो नींद आने लगती है, ऐसे चक्कर आने लगते हैं यार। ना रात में पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा हो गया तो नींद आती है। हाँ, रात में यार पढ़ाई, रात में मैंने नहीं बोला, मेरी दिन में पढ़ाई करते जब भी करते तो नींद आती है। अच्छा कभी भी करे नींद आ जाती है? नींद आएगी यार, करेंगे तो आएगी ना। यार पढ़ते नींद आती, फिल्म देख लो, फिल्म देखने में नींद नहीं आएगी यार, आती है। हाँ अरे इतना इंटरेस्ट मतलब फिल्म में नहीं, मतलब इंटरेस्ट फिल्म में आता, पढ़ाई में लिखाई में जल्दी नींद आती है वहाँ पे। हाँ, वो आपको देख के समझ में आता है। आप कितने तक पढ़े हो? हाँ पढ़ाई चल रही है मेरी तो, अभी प्लस टू पास होने वाला हूँ थोड़े दिन बाद। नॉलेज बहुत है लेकिन? नहीं नॉलेज नहीं है यार, अभी थोड़ा स्टार्ट किया मैं। लग तो रहा है कि पीएचडी कर चुके हो। नहीं यो सिर्फ कर... नहीं क्या नाम आपका, नाम बताओ ना बस प्लीज। क्या रश्मि नाम है आपका? आप ही जानो। बताओ ना, जो प्यार से रख लो। प्यार से देख लो, हम क्या रख सकते हैं, मत रखो। बताओ फिर। बताओ पल्लवी। हेलो आपका? सीता। सीता पल्लवी रश्मि, बहुत तेरे नाम यार, तीनों में बहुत तेरे नाम, बहुत क्यूट नाम यार। सीता नहीं लगता तुम्हारा नाम, बता दे नाम। ठीक है नाम है, कितनी एज होगी तुम्हारी? एज मेरी 22। आपकी जी? आपकी कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए जिम? ज्वाइन किए कितना टाइम हो आपको? कब से कर रहे हो? बॉडी से लगता है मैं। हाँ लगता है ना, थोड़ा फिटिंग है ना, थोड़ी फिट विट बॉडी, अच्छा मेंटेन कर। बचपन से अच्छा जिम नहीं जाते तो फिर कैसे मेंटेन कर रखा है? तुम थकते नहीं हो यार? खाना वाना क्या खाते हो खाने में? अच्छा आपने कब से किया स्टार्ट? आप करते हो कभी मतलब यार डेली होता आपका क्या?
अरे मतलब जो भी होता ना उसे को ध्यान में लेते सेंटेंस पूरा करो पहले सेंटेंस में इंग्लिश थोड़ा बोल रहा हूं मैं कभी-कभी अरे पूछ रहा हूं भैया बस आज आप कभी-कभी चले कब कब नहीं भी नहीं यार यार लाइफ में क्या फायदा यार रियलिटी है कि कभी नहीं अच्छा आप पूछ रहे हो पूछ रहे हो बताओ ना कभी कभी तुम ही जानो क्या जवाब तो ले रहा हूँ आपके बोल रहे हो आप दे दो जवाब बता दो आप दे दो जवाब नहीं आप क्यों इंटरेस्ट नहीं देना जवाब दे जवाब दे दो कौन सी दुनिया में गए वो हेलो हेलो यही हो कहीं आगे मत जाओ आगे मत जाओ कौन सा स्टेशन पकड़ रखा आपने बैग थोड़ा बैग ज्यादा हो रहा है आप पता ना आपके बारे इतना पता मैं क्या मेरे बारे में क्या जान लो कब कब करते हो काम हाँ काम जो भी मेहनत को अगर जैसे मतलब आप कब कब करते हो हम तो यार कभी भी टाइम मिल जाए ना तो कैसे मिल जाता है टाइम निकालना पड़ता है ना काम मिलता है कि नहीं नहीं काम नहीं मिलता काम तो ढूंढना पड़ता है ढूंढना पड़ता है ऐसे यार आजकल काम बेरोजगार आदमी यार कहीं गई सप्ताह में एक बार महीने में दो बार कभी ना भी हो यार कैसे दाल चटनी से खाना चलाना पड़ता है समझ सकते हो हाँ यार अच्छी नॉलेज समझना जरूरी है तो आप कैसे चलाते हो आपको मिलता काम ओ माय गॉड आपको काम मिल जाता है क्या काम नहीं मिलता सिर्फ यार आपको अभी देखा अभी जॉब के लिए सर्चिंग नहीं कर रहे अप्लाई नहीं किया कहीं भी यार वो नंबर हो यार कहीं पे अकाउंट ही नहीं ओपन किया रश्मि तो वो अप्लाई अरे यार अकाउंट ओपन करो यार नहीं हमारे यहाँ पे बैंक ब्रांच खाली है यार तो आप खुद ही करो नल्ली ब्रांच रहेगी इसलिए कोई अकाउंट ही नहीं ओपन कर रहे अरे नहीं क्या दुखता जुगाड़ क्या बोला आपने गाल दुखते क्या बोला आपने देखो यार सोचो समझो अच्छा यार फ्री में अकाउंट खुलता है हमारे यहाँ पे पैसे भी दे देते हैं मतलब अच्छा हम आज के समय इसे फ्रॉड है वो फ्रॉड है नहीं पैसे लेके भी करते ऐसी बात नहीं है और उनके क्रेडिट कार्ड साथ में देते हैं हम हमारे पास एक ऐसे अकाउंट की सुविधा है अगर आपको 5,000 रुपए देकर कराओगे ना तो आपको क्रेडिट कार्ड साथ मिलेगा कभी आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप ले सकते हो एक 1,000 रुपए वाला अकाउंट जब आप बैंक में हुआ तभी कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ पे खाली आदमी जाने देगा हमारा बैंक अच्छा बैंक है फ्रॉड अरे फ्रॉड नहीं यार क्या बैंक का नाम क्या है इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो उसको कभी खुलवाना पड़ता है भविष्य में कभी भी मन करता है यार क्या पता कोई स्कीम आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से उसे भी बैंक के वहां देखेंगे आगे पास याद हो गया अरे बाकी पता है हम एक हमारी तरफ से एक बहुत पुराना ब्रांड है हमारा अभी नए ब्रांड पर विश्वास करोगे तो यार कभी भाग जाएगा तुम्हारा ब्रांड तू ही लॉन्च करो तुम ही एंजॉय करो तुम ही रिव्यू दो आप क्या बोल रहे आपको नहीं ये तो मैडम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है मैंने खोई तो क्या बोला आपने बोलो कुछ तो बोलो देख लेना कभी सोचना हो तो बता देना अपना नंबर ले लेना या फिर गूगल पे सर्च कर लेना आप घर से भी अप्लाई कर सकते हो घर पे सुविधा मिलेगी कभी टाइम मिलेगा मतलब कभी ये हो ना कि आज अकाउंट खुलवाना है नहीं चाहिए सुविधा अच्छा आप बैंक में विजिट कर लोगे हमको विजिट भी नहीं करना तुम्हारे बैंक में फ्रॉड ठग बैंक के ट्राई तो करो ट्राई कर सकते हो आप कोई पैसा नहीं लगेगा ओनर आप रहोगे ना इसलिए ठग बैंक बोली मैंने राइट ओनर भी मालिक सब कुछ वहां पे मैं ही हूं हां इसलिए तो ठग बैंक अरे ट्राई तो करो भाग जाना वापस नहीं मेरे को आना ही नहीं तो भागने की सवाल ही नहीं देखो कभी प्लान मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है अकाउंट ओपन करने पक्का अभी तो करना पड़ेगा बट
अरे सच्ची नहीं यार, जरूरी यार, कभी क्या पता कहीं से कैसे कुछ भी यार, मतलब मान लो आपको कुछ पेमेंट वेमेंट इधर उधर लेना देना पड़ जाए, सब बात यार नहीं होना पड़ जाए इधर उधर, हम दूसरे बैंक पे जाएंगे। एक इधर ही बैंक है आपके पास, ही है क्या बैंक? अरे हमारा तो स्पेशल बैंक है ना, देख लेना कभी कभी सेवा का मौका जरूर देना। कौन सा बैंक में अकाउंट है? अरे हमारे पास तरह तरह की फैसिलिटी है। कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? आपका खुद का तो अकाउंट रहेगा ना, खुद के बैंक में डाला है अकाउंट? अरे यार हम वो एक ही बैंक यार, उनमें हर रोज एक ही बैंक में एक बैंक नहीं रखते हम यार, मतलब एक अकाउंट नहीं रखते, अकाउंट अलग अलग होते हमारे। अच्छा खुद के अकाउंट है, कभी किसी में कुछ पैसे, कभी किसी में थोड़ा बहुत, ऐसे अलग अलग रहता है यार। अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे क्या पता किस बैंक से कितने पैसे निकालने पड़ जाए। अभी कभी सेवा का मौका जरूर देना, मैं ये बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मिल रहा हूँ भाई, टाइम निकालना पड़ता है मैडम। आप इधर आके बैठ जाओ उनके साथ, उनको अभी नहीं, टाइम कितना लगेगा देखा, मौका देना मैं। हाँ जरूर देंगे। क्या हुआ? नहीं वो आप जो जोक मारे उस पर ही बस जोक है। नहीं है ये, अरे हम देखो ये लेके आए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप तुम आप तीनों के पास देख लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम तीनों के पास चल के आइए, खुलवाना हो तो खुलवा लेना अच्छे से, खुलेगा नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आधार कार्ड जरूरत नहीं है, हम लोग तीनों को इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है, बट खोलना पड़ता कभी कभी मजबूरी में, क्योंकि ऊपर से स्कीम आई होती है ना, कितने अकाउंट खोलो। अरे नहीं हमें ऊपर से प्रेशर आता ना कि वो की बार दो दस अकाउंट खोलना ही खोलना है, ऐसा होता है। टारगेट पूरे करने, टारगेट पूरे करने तो महीने में 10-5 कौन देगा आपको ऐसे टारगेट? टारगेट पूरे करो, हमारा फिर उसमें अच्छा खासा निकल जाता है ना आराम से, नींदा देखना कभी मौका मिले तो। हाँ मोबाइल नंबर दे दो चल मेरे को, स्विच ऑफ हो गया। ओ माय गॉड, अरे तो मोबाइल नंबर, मेरे को मोबाइल नहीं मांग रहा, मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ आपका। मैं तो गजनी हो चुकी हूँ, भूल जाती हूँ मैं नंबर मेरे बार बार। अब हमारा याद रख लेना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अच्छा नंबर, फोन ही नहीं है मेरे पास, फोन ही नहीं है, फोन ही नहीं है। काम इसको लग गई है, गलती इसको लग गई है, उसके बाद सच्ची मेरे नंबर। आपके पास तो मोबाइल फोन सिम डालने के लिए नहीं ऐसे तो होता, ऐसे कैसे हो सकता है यार, गलत जगह आ गया मैं। चेक कर लो जरा, कैसे जगह जगह कुछ मत करो, आप जाओ जा रहा हूँ मैं तो यार। चलो ठीक है, चला जाता हूँ मैं भाई। हाँ ध्यान रखना अपना, सेहत का ध्यान रखना, कभी मौका मिले तो देना मौका। अरे मैं देख रहा था कुछ अंगूठी अच्छी ना, कैसी है? अच्छी, नाइस नाइस, गुड। और मीटिंग में बैठ रही है। हाँ और देखो सामने ना मैंने कैमरा लगा रखा है, मैं प्रैंक वीडियो शूट करा था। एक बार आती दिमाग में, बाद में नहीं आती। हाय बोलो प्लीज। आप लोगों को वैसे इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? दिस वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ध्यान रखना अपना। हम जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ यार खुश रहो, कुछ लेके आना, ऐसे सब कुछ मोमा है। और अकाउंट खोलने के चक्कर में मत घुमा करो यार, पहले काम करो यार, गवर्नमेंट अपना खुलवा देगी यार। और जैसे ठग लोगों के पास तो बिल्कुल बोला बचना, ठग लोगों से अकाउंट मत खुलाओ। अरे यार।